नमस्कार, आज हम आए हुए हैं स्वर्गीय श्री मोहनलाल चौधरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायपाली। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस अस्पताल को 100 बिस्तर का अस्पताल घोषित किया गया था और उसी के हिसाब से इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, लेकिन वर्तमान की स्थिति में इस अस्पताल में केवल 30 बिस्तर की सुविधाएँ ही संचालित हैं। जितनी भी सेवाएँ और सुविधाएँ यहाँ प्रदान की जा रही हैं सब 30 बिस्तर के हिसाब से है। इस अस्पताल में 3 से 4 डॉक्टरों की वर्तमान में पोस्टिंग है। चूंकि ये बसना और सरायपाली अनुविभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, उस हिसाब से यहाँ पे हर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे मुख्य रूप से शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, इसके अलावा चर्म रोग विशेषज्ञ, कई अस्थि रोग विशेषज्ञ, कई ऐसी समस्याएँ हैं, जिन बीमारियाँ हैं जिनके विशेषज्ञ यहाँ पर होने चाहिए थे, लेकिन इस अस्पताल में आज भी ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। एक तरफ जहाँ सरायपाली बसना को जिला बनाने की मांग प्रमुखता से रखी जा रही है और सरायपाली इस राजधानी से लगभग 156-157 किलोमीटर की दूरी के कारण, और लगभग जो सरायपाली का आप क्षेत्रफल बोलेंगे तो ये सरायपाली का क्षेत्रफल जो है ये लगभग 300-400 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। उसके बाद में भी स्थिति इतनी यहाँ विकट है, यहाँ पे अगर किसी मरीज का एक्सीडेंट हो जाता है तो इस अस्पताल में केवल प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। किसी जटिल समस्या के होने पर उन्हें या तो रायपुर रेफ़र किया जाता है या फिर जो परिजन है वो मरीज के साथ में किसी निजी अस्पताल की तरफ अपना रास्ता कर देखते हैं, अपनी राह बनाते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि कांग्रेस ने जहां सुशासन की बात की, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की असफलता के ऊपर एक नए विकास के पथ के को गढ़ने की बात की, लेकिन आज 4 साल बीत जाने के बाद कोरोना जैसी महामारी के गुजर जाने के बाद में भी स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से ये अस्पताल लगभग शून्य की स्थिति में खड़ा हुआ है।